आज हम बात करेंगे कि सेब के बीज खाने से हमारी मौत क्यों होती है। देखिए, सेब तो हमारे लिए फायदेमंद होता है, हेल्दी होता है, उससे हमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। लेकिन सेब के बीज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी मौत होती है? देखिए, सेब के बीज में एमिग्डलिन नाम का तत्व होता है जो शुगर और साइनाइड से बना हुआ होता है, और ये जब हमारे पाचन तंत्र से संबंधित एंजाइम के संपर्क में आता है तब ये साइनाइड को रिलीज करता है, और ये साइनाइड जब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब किया जाता है तब उसका रूपांतरण हाइड्रोजन साइनाइड में होता है, HCN में होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारे लिए जानलेवा होता है। देखिए, साइनाइड एक पॉइजन है, काफ़ी खतरनाक पॉइजन है, और ये हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को रुकावट पैदा करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उनमें हस्तक्षेप करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। देखिए, सेब के बीज में ही सिर्फ एमिग्डलिन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके बीज में एमिग्डलिन पाया जाता है, जैसे कि एप्रिकॉट है, साथ ही चेरीज है, प्लम है, इन सारे फ्रूट्स के बीज में आपको एमिग्डलिन देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप सेब के कुछ 4-5 बीज को खाते हैं तब उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप 15-16 सेब के सभी बीज को चबाकर खाते हो तब आपकी मौत हो सकती है, या अगर आप लगभग 200 बीज को पाउडर करके खाते हो तब भी आपकी मौत हो सकती है। देखिए, सेब के एक बीज में लगभग 0.06 मिलीग्राम से लेकर 0.24 मिलीग्राम तक साइनाइड होता है। साथ ही अगर आप थोड़ा बहुत सेब के बीज को खाते हो तब आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर दर्द है, पेट में ऐंठन या उल्टी आना, तब आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको जरूर कुछ नया ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सही नए नॉलेजेबल वीडियोज आपके लिए रोजाना लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।